पिछले संडे को मैंने आपके साथ में वेज चीज पिज्जा की रेसिपी शेयर की थी। आज हम इस पिज्जा को नया ट्विस्ट देंगे, पनीर टिक्का पिज्जा। पनीर को नया फ्लेवर देंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा ये। तो नमस्कार दोस्तों, कुक विगन विद रेखा में आपका स्वागत है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोल लेंगे और उसमें हम 3 कप मैदा डालेंगे। इनकी सारी लिस्ट मैं आपको ग्राम में भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पे देख लीजिए। 3 कप मैदा डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी। 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। जितने कप मैदा ले रहे हैं उतने ही चम्मच है ये। और 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 3 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। दोनों ही चीजें डालनी है आपको। क्वांटिटी मैंने बताई है उसी के अनुसार लीजिए आप। और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें हमारे जितने भी लिक्विड इंग्रीडियंट्स हैं वो डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप दही, 1/4 कप पानी और 2 चम्मच तेल। इसके बाद में हम इसे घूंटना शुरू करेंगे और बहुत ही नरम घूंटना है इसको। अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डालिए इसमें। और बिल्कुल नरम घूंटना है, इतना नरम कि ये शुरू में आपके हाथों के बहुत चिपकेगा। इसको हम एक परात में ले लेते हैं अब और लगभग 10 मिनट तक इसको और घूंथेंगे हम। अगर आपके हाथ के ज्यादा चिपके तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसको एडजस्ट करिए, लेकिन पटक पटक के अच्छी तरह से हमें इसको लगभग 10 मिनट और घूंथना है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा सूखा मैदा भी डाला है बाद में। और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हमें घूंथना है, इतना नरम कि हम इसकी जब लोई फैलाएंगे तो बिल्कुल हाथों से भी इसको फैला पाएंगे, इतना नरम इसको घूंथना है। एक बड़ी लोई तोड़ेंगे हम इसकी। इसके लगभग 5 पिज्जा बनकर तैयार हुए, तो आप उसके अनुसार इसके 5 पोर्शन पहले ही कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और इस लोई को फैला लेंगे। अगर आपके पास में मक्के का आटा है तो आप वहां पे ये भी डाल सकते हैं और फिर इसको फैला सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बेलन से भी फैलाया, लेकिन बहुत ही कम प्रेशर लगाने पर भी आराम से फैल सक रहा है, इतना नरम है ये। अब इसे एक तरफ रख देंगे हम और पनीर को हम पनीर टिक्का का फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए एक पैन रखेंगे हम और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। उसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे, जितना भी हमें पनीर का क्यूब्स चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद में 1 से 2 मिनट सोटे करने के बाद में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। 1 मिनट मिक्स करने के बाद में हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे और इसको अब हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से सूखा सूखा नहीं हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। अब आप एक प्लेट ले लीजिए, उसमें अच्छे से बटर फैला लीजिए और जो हमने बेस बनाकर तैयार कर रखा है उसे इस बटर के ऊपर रख देंगे हम ध्यान से। अब इसके अंदर हमें फोर्क की सहायता से बहुत सारे छेद करने हैं। एक फोर्क ले लीजिए और आप अच्छे से इस पूरे में छेद कर दीजिए। अगर ये स्टेप आप भूल गए तो ये फूल जाएगा बेस और हमें ये फूलाना नहीं है। तो अच्छे से हम इसमें छेद कर देंगे और इसके जो किनारे हैं उनमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर से इस तरह से गैप बना देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे पिज्जा सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस। इन सबको मिक्स करके और इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे हम। इस पूरे सॉस को अच्छी तरह से फैलाने के बाद में हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। चीज ये मैंने अमूल का चीज लिया है, इसमें मोजरेला और चेडार चीज दोनों मिक्स है। तो आप अलग से लेना चाहें तो भी इनको अलग अलग ले सकते हैं। चीज को अच्छी तरह से फैला लेंगे और अब हमने जो पनीर तैयार कर रखा है वो जमा लेंगे हम। जितने पीस आपको पसंद है उतने डाल सकते हैं आप घर पे बना रहे हैं तो। मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च रखी है और ऊपर से फिर से आप चीज डालिए बहुत अच्छी तरह से। इसमें चीज डालने के बाद में अगर आप इसको ओवन में पका रहे हैं तो 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट करिए, फिर 180 डिग्री पे ऊपर और नीचे की रोड्स चला के इसको 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दीजिए। और एक बार चेक करिए, अगर अच्छी तरह से बेक नहीं हो तो 5 मिनट के लिए फिर से रख लीजिए। अगर ओवन नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम एक कढ़ाई में नमक गर्म कर लेंगे पहले, फिर उसी गर्म नमक में हम एक कटोरी रखेंगे, ऊपर पिज्जा की प्लेट रखेंगे और इसको ढककर 20 मिनट तक हम बेक करेंगे। बीच में आप चाहें तो एक बार 15 मिनट के बाद फिर से चेक कर सकते हैं। और देखिए, बिना ओवन के भी बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो से हम इसको गार्निश करेंगे। तो आप इस पूरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ये जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिले इसके लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें।